आप सभी को मेरा नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे पेट में दर्द के विभिन्न प्रकार के कारण और इसमें इस्तेमाल होने वाली दवाइयों के बारे में। और दवाइयां हम आखिरी में जानेंगे इस वीडियो के, इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखना। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ए से लेकर जेड तक दवाइयों की सीरीज़ देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ और भी हेल्थ टिप्स आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पेट का जो दर्द होता है वो छोटे से कारण से लेके बड़े कारण तक हो सकता है। पेट में देखिए गैस से लेके और काफ़ी सीरियस कंडीशन जैसे अपेंडिक्स होता है वो भी पेट के दर्द का कारण बन सकता है। और जो ये पेट का दर्द होता है वो निचली छाती से लेके आपके पैरों के बीच तक जा सकता है। और ये जो दर्द होता है वो अलग अलग तरीके का होता है। एक तो बहुत धीमा धीमा दर्द होता है और एक बहुत ज़्यादा तेज होता है। इसके अलावा कई बार क्रैम्प जैसा दर्द भी देखने को मिलता है। और देखिए, पेट का दर्द कई बार पेशेंट आते हैं कि काफ़ी एक दो दिन से ही पेट में दर्द हो रहा है, या फिर 7 दिन से दर्द हो रहा है, या फिर छोटे ड्यूरेशन से जो है दर्द हो रहा है। लेकिन कई पेशेंट्स आते हैं डॉक्टर्स के पास में, उनको बहुत लंबे समय से पेट में दर्द की शिकायत है, 3 महीने से भी ज्यादा लंबे समय तक भी कई बार किसी पेशेंट में देखने को मिलता है। देखिए, पेट में दर्द का जो कारण है वो या तो गैस हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कब्जी की वजह से भी पेट के दर्द की जो है समस्या रहती है। इसके अलावा यदि पित्त की थैली में यदि आपके पथरी है तो भी पेट में दर्द हो सकता है, किडनी का स्टोन है आपके तो भी आपके दर्द हो सकता है पेट में। लेकिन किस जगह पर दर्द हो रहा है, आप कैसे पता लगाएंगे कि ये दर्द जो है वो क्यों हो रहा है, ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। देखिए, जनरल कारण जानते हैं पहले तो। देखिए, एसिडिटी की वजह से दर्द होता है, इन्फेक्शन की वजह से दर्द होता है, पेट में कहीं एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है उसकी वजह से दर्द होता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से दर्द होता है, कोई ब्लॉकेज तो नहीं है पेट के अंदर उसकी वजह से दर्द होता है, और या तो आंतों में कई बार कोई समस्या रहती है उसकी वजह से दर्द होता है। और जो कॉमन जो दर्द होते हैं ज़्यादातर, मैंने जैसे पहले बताया, कॉन्स्टिपेशन की वजह से दर्द होता है, डायरिया, यदि दस्त लग रहे हैं तो भी दर्द रहता है पेट में, वो दरअसल इन्फेक्शन की वजह से ही होता है। इसके अलावा और एक बात का ध्यान रखना कि ये जो दर्द होता है ना, जो कॉमन जो दर्द बताए वो तो काफ़ी स्लो दर्द होते हैं, लेकिन जो सीवियर दर्द होते हैं जिसमें आपको सहन नहीं होगा दर्द, आपको डॉक्टर के पास में जाना ही पड़ता है, वो दर्द होते हैं या तो किडनी में स्टोन रहता है, जो आपकी किडनी है उसमें पथरी रहती है उसकी वजह से दर्द होता है, या तो किडनी में इन्फेक्शन की वजह से भी दर्द हो जाता है। इसके अलावा पित्त की थैली में जैसे मैंने पहले है, उसमें यदि दर्द है, या फिर अपेंडिक्स है, इन केसेस में ये ध्यान में रखना आप, इन केसेस में जो पेट में दर्द होता है वो बहुत तेज होता है। अब देखिए, आपको मैं बताता हूं कि एरिया, देखिए पेट में यदि जनरलाइज पूरे पेट में ही दर्द हो रहा है तो वो कौन कौन सी कंडीशंस में होता है। अपेंडिक्स में यदि पूरे पेट में दर्द देखने को मिलता है कई बार, इसके अलावा क्रोन्स डिजीज होती है उसमें दर्द देखने को मिलता है, इसके अलावा बाउल से इन्फेक्शन जो है वो भी पूरे पेट में दर्द को देखने को मिल सकता है, यूरिन में इन्फेक्शन है तो भी पूरे पेट में दर्द देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यदि स्पेसिफिकली लोअर एब्डोमिनल में यदि आपके निचले हिस्से में दर्द हो रहा है तो हाथों में कोई यदि दिक्कत है तो भी इस वजह से होता है, और इसके अलावा अपेंडिक्स का दर्द भी है जो निचले हिस्से में देखने को मिलता है, और स्पेशली राइट साइड में जो है अपेंडिक्स का जो दर्द है निचले हिस्से में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो महिलाओं में मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है उस टाइम भी जो है दर्द देखने को मिलता है, वो तो एक कॉमनली जो दर्द है वो रहता है। इसके अलावा अगर आपके ऊपरी हिस्से में, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द हो रहा है, जैसे कि पित्त की थैली में स्टोन है, वो दर्द ऊपरी हिस्से में हो सकता है। इसके अलावा हार्ट की भी यदि प्रॉब्लम है तो भी आपके पेट में ऊपरी हिस्से में दर्द देखने को मिल सकता है। इसके अलावा लिवर से यदि तकलीफ है, लिवर में कोई तकलीफ है तो भी ऊपरी हिस्से में दर्द देखने को मिल सकता है। इसके अलावा न्यूमोनिया में भी कई बार पेशेंट्स में देखने को मिला है ऊपरी हिस्से में दर्द। इसके अलावा यदि आपके सेंटर में दर्द हो रहा है तो देखिए आंतों में तकलीफ है, अपेंडिक्स में भी कई बार सेंटर में देखने को मिलता है दर्द, और जैसा मैंने पहले बताया कि राइट साइड में जो दर्द है अपेंडिक्स का होता है, हर्निया का दर्द भी कई बार राइट साइड में देखने को मिलता है पेट के। और देखिए, आपको दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है और ये जो दर्द है वो असहनीय हो रहा है तो आप डॉक्टर को जरूर बताएं, क्योंकि कई बार क्या होता है अपेंडिक्स के केस में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैल जाता है शरीर में, तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, इसलिए आप तुरंत डॉक्टर को जरूर दिखाएं। और देखिए, जब भी पेट में दर्द होता है तो डॉक्टर सोनोग्राफी लिख के देता है, सोनोग्राफी में सब कुछ पता चलता है कि कहां तकलीफ है, या तो कोई किडनी में तकलीफ रहती है, या फिर अपेंडिक्स का कोई परेशानी रहता है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि कोई समस्या देखने को ही नहीं मिलती, कई बार सोनोग्राफी में कुछ भी नहीं आता है, तो जनरल जो आंतों से रिलेटेड समस्या रहती है या फिर एसिडिटी की वजह से समस्या रहती है तो उसमें सोनोग्राफी में कुछ नजर नहीं आता। और कई बार डॉक्टर जो है एंडोस्कोपी भी लिखता है, तो उसमें कई बार क्या होता है, जो आपकी जो खाने की जो नली है उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या फिर अल्सर तो नहीं है, वो देखता है डॉक्टर, चेक करता है। देखिए, अब पेट के दर्द की दवाइयों के बारे में हम जानते हैं। देखिए, कोई भी दवाई लें आप, डॉक्टर की सलाह जरूर लें। देखिए, एसिडिटी हो रही है उस केस में एंटा एसिड्स दवाइयाँ आती हैं, जिसमें पेंटाप्राजोल, ओमिप्राजोल
ये दवाइयाँ आती हैं जो कि एसिडिटी को कम करती हैं और दर्द में आराम देती हैं। इसके साथ में आप मेफ्टाल स्पाज, जिसमें मेफेनिक एसिड आता है, वो दवाई जो है डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं पेट के दर्द के लिए। यदि नॉर्मल दर्द है तो उससे सही हो जाता है, नहीं तो कई बार डॉक्टर को इंजेक्शन लगाना पड़ता है दर्द का, उसी से ही आराम आता है। इसके अलावा जो मेफ्टाल स्पाज में डाइसाइक्लोमाइन आता है उसको भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं दर्द में आराम देने के लिए। इसके अलावा देखिए दर्द का है इंजेक्शन ही लगता है, यदि बहुत सीवियर केस है दर्द के लिए तो डॉक्टर उन्हें जो है इंजेक्शन ही देते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि कौन से जो दर्द की जो दवाइयां हैं वो आती हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।